नोबिता से जुका बद्रीनाथ तीनों शर्त लग रहे थे कि मैं सबसे दूर पत्थर फेंक सकता हूँ। सिजुका कहती है, नहीं मैं दूर पत्थर फेंकूंगी। इससे पहले ये तीनों लड़ाई शुरू करते तभी वहाँ डोरेमोन आ जाता है। वह कहता है इन तीनों से, चलो तुम पत्थर फेंको, मैं देखता हूँ कौन दूर पत्थर फेंकता है। तब पहले सिजुका फेंकती है तो उसका पत्थर थोड़ी ही दूर जाता है। उसके बाद नोबिता फेंकता है, उसका पत्थर एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। अब बारी थी बद्रीनाथ की तो बद्रीनाथ पत्थर फेंकता है तो वह काफ़ी दूर जाता है। बद्रीनाथ और बाकी सब उसके पीछे जाते हैं तो वह देखते हैं कि पत्थर एक बाबा में लगा होता है। बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। तभी वह गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये पत्थर मुझे किसने मारा। बद्रीनाथ आगे बढ़ा। इससे पहले बद्रीनाथ कुछ कहता तभी बाबा समझ जाते हैं कि ये काम इस लड़के ने किया है। तब वह बाबा बद्रीनाथ को शराब दे देते हैं और उसे गाय बना देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब डोरेमोन और बाकी सबको कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। डोरेमोन का कोई भी गैजेट बद्रीनाथ को सही नहीं कर सकता था। तब ये सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प। तब कहीं से एक चिड़िया उड़ती हुई आती है और वह कहती है, तुम सब चिंता मत करो, यहाँ पास में ही एक जादुई फल का पेड़ है, अगर तुम फल इसे खिला दो तो तुम्हारा दोस्त पहले जैसा हो जाएगा। ऐसा कहकर वह चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। अब डोरेमोन नोबिता से झुका उस पेड़ को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ कई फलों के पेड़ लगे होते हैं। अब इनमें से कौन सा पेड़ जादुई है ये डोरेमोन नोबिता को तो पता नहीं चलता, लेकिन सभी पेड़ को देखकर सिजुका समझ जाती है कि कौन सा पेड़ जादुई है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पेड़ जादुई है? तो देखिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। जादुई है, लेकिन क्यों? तो दोस्तों, अगर आपने नोट किया होगा तो इस पेड़ पर तरबूज ऊपर लगे हुए हैं, जबकि तरबूज तो जमीन पर उगते हैं। तो सिजुका ये समझ जाती है और वह इस पेड़ के पास जाती है तो वह पेड़ बोल उठता है। वह कहता है, लेना है फल तो देना होगा मुझे मेरी एक पहेली का जवाब। तब सब मान जाते हैं तो वह पेड़ कहता है, सुबह सुबह ही आता हूँ, दुनिया की खबरें लाता हूँ, सबको रहता मेरा इंतजार, हर कोई करता मुझसे प्यार। तो ये तीनों सोचते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब? तो सोचिए और आपका आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, वह है अखबार। तो ये तीनों इसका जवाब दे देते हैं तो वह पेड़ उन्हें तरबूज दे देता है। तो ये तीनों जल्दी ही तरबूज लेके बद्रीनाथ के पास जाते हैं और उसे खिला देते हैं। तरबूज को खाते ही बद्रीनाथ पहले जैसा हो जाता है। तो दोस्तों, थी ना ये बढ़िया पहेली। इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चलिए अभी आप इन सभी पिक्चर को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी पिक्चर दो बार है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आप इन तीनों डॉक्टर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें कौन सा डॉक्टर नकली है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये तीसरी डॉक्टर नकली है, क्योंकि अगर आपने नोट किया होगा तो ये डॉक्टर इस प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी कर रही है, लेकिन यहाँ सोनोग्राफी मशीन में बच्चे की जगह पर कुछ और ही चीज देख रही है। और दूसरी बात, आप यहाँ देखिए, इसने यहाँ पर जहर की बोतल रखी हुई है। अब यहाँ जहर का क्या काम? तो हो ना हो यही डॉक्टर नकली है। तो दोस्तों, अगर आपका भी आंसर यही था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी मस्त पहेली के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, अभी एक क्वेश्चन आपके लिए। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि सुनियो की पर मंथ पॉकेट मनी कितनी है?